नमस्कार दोस्तों दोस्तों जितेंद्र और ऋषि कपूर की दोस्ती जग जाहिर थी। फिर क्या वजह थी कि जितेंद्र एक बार अपने खास दोस्त ऋषि कपूर पर भड़क गए? ऐसा क्या कह दिया था ऋषि कपूर ने जितेंद्र की बेटी एकता कपूर के बारे में जो जितेंद्र इतने गुस्से में आ गए? क्या था पूरा मामला? कौन सही था कौन गलत? फैसला आपके हाथ। घटना जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट आधारित जानकारी है जिसका 100% सही होने का हम दावा नहीं करते हैं। घटना थी साल 2003 में आई फिल्म कुछ तो है के बारे में। फिल्म कुछ तो है बालाजी पिक्चर्स के बैनर तले बनी थी जिसे प्रोड्यूस किया था जितेंद्र की बेटी एकता कपूर ने। फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो इस पर हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। बहरहाल बात करते हैं ऋषि कपूर और जितेंद्र के उस विवाद के बारे में जिसका उल्लेख ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी पर लिखी किताब खुल्लम खुल्ला में किया है। इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को ऑफर किया गया था। उस वक्त ऋषि कपूर के पास कोई काम नहीं था इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी। परंतु उस वक्त जो कैरेक्टर उन्हें सुनाया गया था वो एक पुलिस इंस्पेक्टर का था, जैसा कि 1975 में आई ऋषि कपूर नीतू सिंह की फिल्म खेल खेल में अभिनेता देव कुमार द्वारा निभाया गया था। इस किरदार में दर्शक देव कुमार को बुरा आदमी समझते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि वह एक पुलिस अफसर था। सेम ऐसा ही किरदार फिल्म कुछ तो है में ऋषि कपूर को सुनाया गया था, परंतु बाद में इस रोल को बदलकर ऋषि कपूर का किरदार नेगेटिव रोल की तरह कर दिया गया। फिल्म को रीशूट किया गया, डायरेक्टर कैमरामैन बदल दिए गए। यह सब ऋषि कपूर को एक झमेले की तरह लगा। किसी तरह फिल्म बनकर रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। जब ऋषि कपूर से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आप जैसे मजे हुए अभिनेता ने इतनी हल्की फिल्म के लिए हाँ कैसे कह दिया, तब ऋषि कपूर ने अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि निर्माता निर्देशक ने फिल्म को भी टीवी सीरियल समझ लिया। ऋषि कपूर ने यहाँ तक कह दिया कि फिल्में ऐसे नहीं बनती, उसके लिए परिपक्व होना पड़ता है। जितेंद्र ने जब यह इंटरव्यू देखा तो वो तुरंत समझ गए कि ऋषि कपूर का इशारा एकता कपूर की तरफ था। कहा जाता है जितेंद्र ने ऋषि कपूर को गुस्से में फोन कर कहा कि तू मेरी बेटी के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है, जब एकता ये बात सुनेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। उस दिन से जितेंद्र और ऋषि कपूर के रिश्तों में खटास आ गई और काफी समय तक दोनों में यह अनबन चली। इस बात का जिक्र ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में किया है। लेकिन जितेंद्र द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाद में उनके रिश्ते पहले जैसे हो गए और जितेंद्र ने इसके बाद भी अपने कई इंटरव्यू में अपने दोस्त ऋषि कपूर की तारीफें की। ऋषि कपूर और जितेंद्र की दोस्ती के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। ऋषि कपूर और जितेंद्र की दोस्ती के और भी किस्से जानने के लिए हमारी इस वीडियो को जरूर देखें जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ऋषि कपूर और जितेंद्र की यदि और भी फिल्मों के अननोन फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो उस पर हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है जिनका लिंक आपको आई बटन एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।